नजीर शेख, आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। गुलाम नबी आजाद मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए कहा, ये तो बड़ी दुख की बात है कि आज मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच में नहीं है। भारत ने एक दिग्गज नेता खोया है और उत्तर प्रदेश ने एक गरीबों का नेता, बैकवर्ड्स का नेता, SC ST का नेता, माइनॉरिटीज का नेता खो दिया है, किसानों का नेता खो दिया है, मजदूरों का नेता खो दिया है। राजनीति में बहुत लीडर आते जाते हैं, लेकिन बहुत सारे कम लोग हैं जिनको उनके मरने के बाद याद किया जाता है। उनकी सादगी को हमेशा याद किया जाएगा, और जब तक वो जिंदा रहे और राजनीति में रहे, चाहे वो मुख्यमंत्री 3 बार रहे या उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर रहे या मेंबर पार्लियामेंट रहे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे, वो हमेशा गरीबों के बीच में रहे, किसानों के बीच में रहे, मजदूरों के बीच में रहे, और कभी भी उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश नहीं की। उनकी सादगी ही हमेशा उनके याद बन के रह जाएगी। हमारी बहुत सारी यादें हैं, विशेष रूप से जब 1987 में मैं राजीव गांधी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देके संगठन में आया और पंजाब और उत्तर प्रदेश, पंजाब में कोई जाता नहीं था उस वक़्त, तो मैंने रिस्क लिया, 4 साल पंजाब में रहा जब तक इलेक्शन नहीं हुए। और उत्तर प्रदेश में उस वक़्त